गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज बिकम फ्रॉम रेशियो। प्रोपोर्शन कहाँ से आएगा? रेशियो से आएगा। व्हेन वी हैव टू इक्वल रेशियो देन वी कैन से दे आर इन प्रोपोर्शन। हमारे पास दो इक्वल रेशियो होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किस में है? प्रोपोर्शन में है। कैसे बेटा? अभी देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, ठीक है बेटा। अगर ये दोनों रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो हम क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, ठीक है बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इफ टू रेशियोज are equal, then these quantities are in proportion. क्या बेटा, अगर दो रेशियो इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि वो सारी क्वांटिटीज किस में है? प्रोपोर्शन में है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया कि ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी अगर इक्वल है तो क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। अब अगर हमें कोई क्वांटिटीज गिवन हो और हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या है, एक मेथड है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है बेटा। अभी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है? बार वाले, ठीक है बेटा। तो अभी हमारे पास है फोर क्वांटिटीज, तो इसमें से ए एंड डी आर एक्सट्रीम वैल्यू एंड बी एंड सी, सी एंड डी या बी एंड सी आर मीन वैल्यूज, मीन वैल्यूज, ठीक है बेटा। ये जो बी और सी है ये क्या है? अंदर वाली है, मीन वाली, मीन वैल्यूज है। और जो बाहर वाला है ए और डी, ये क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो अब इनको चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला बना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला हमारा यहीं से आया है। कहाँ से आया है? कि हमारे दो रेशियो इक्वल होंगे। कब? अगर दो रेशियो इक्वल है तो क्या होगा बेटा, सी रेशियो डी। ये दो रेशियो क्या है? इक्वल है। तो अब क्या, व्हाट वी कैन राइट, ए रेशियो बी ए बाई सी। हम क्या कर सकते हैं, ए रेशियो बी को किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इक्वल टू सी रेशियो डी को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई डी। सो सी रेशियो डी को क्या लिख सकते हैं, सी बाई डी। नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इंटू डी इज इक्वल टू b into c. So what is beta? Value of a is with a and b. What is a and d? Extreme values. So product of extreme equal to product of means. तो ये हमारा जो formula है कहाँ से आया? अगर दो क्या है, दो रेशियो इक्वल कब होंगे? जब वो किस में हो? प्रोपोर्शन में। और प्रोपोर्शन की कंडीशन भी क्या है बेटा, कि प्रोपोर्शन में तभी क्वांटिटीज होंगी अगर दो रेशियो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है बेटा। तो अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं। प्रोपोर्शन, सेकंड जो टर्म है हमारी वो आती है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या आती है बेटा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। Continued proportion. Continued proportion में क्या होगा बेटा, हमारे पास थ्री क्वांटिटीज होंगी। क्या होंगी? थ्री क्वांटिटीज होंगी।
और वो किस में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। वे किस में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। तो कैसे होंगी वो देखेंगे अब। ए बी सी आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। अगर वे ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी होंगी तो वो किस में होंगी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी। इसका मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट टू क्वांटिटीज रेशो इक्वल टू लास्ट टू क्वांटिटीज, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड रेशो, फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड रेशो। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। देन वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी इंटू बी क्या हो जाता है बेटा, बी स्क्वायर। टू बी नहीं होगा बेटा, टू बी कब होता है जब प्लस करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे वी की पावर वन, यहाँ पे भी वी की पावर वन, जिसकी कुछ भी पावर नहीं होगी उसकी क्या पावर होगी, वन पावर होगी। तो अगर बेस सेम है और वे किस में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, देन पावर शुड बी ऐड। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बी स्क्वायर हो गया बेटा इज इक्वल टू किसके, ए इंटू सी के, ए इंटू सी के। ठीक है बेटा, अब जो बी है, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए इंटू सी। जब स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। जैसे प्लस को उधर लेके जाते हैं तो वो किसका हो जाता है, नेगेटिव का हो जाता है, मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जो ये बी है, बी क्या है, बी इज मीन वैल्यू या फिर मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, बी इज मीन प्रोपोर्शनल ठीक है बेटा। अब वो बोले कि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी। ठीक है बेटा, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी। ठीक है, कब, जब मीन प्रोपोर्शनल, वी हैव टू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, जब हमें क्या फाइंड आउट करना हो, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना हो। और अगर वो कहता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, ए रेशो बी इक्वल प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी, मीन्स फर्स्ट रेशो सेकेंड इक्वल टू सेकेंड रेशो थर्ड। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वान्टिटी, सेकेंड क्वान्टिटी, थर्ड क्वान्टिटी, फोर्थ क्वान्टिटी। ठीक है बेटा, नाउ Now we will go to our exercise. Exercise 8.2. 8.2 में क्या बेटा, हमें क्या करने हैं, पहले जो 5 क्वेश्चन है वो किस पे बेस है, प्रोपोर्शन पे बेस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पे बेस है, यूनिटरी मेथड पे बेस है। तो वे जो नेक्स्ट जो यूनिटरी मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा कि यूनिटरी मेथड होता है क्या है, और फिर उस पर क्या करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने क्या किया कि प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, देन नाउ वी विल डू क्वेश्चंस ऑन प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। क्या कहता है, स्टेट करो कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो प्रोपोर्शन में फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या है, 12 सेंटीमीटर रेशियो 15 सेंटीमीटर एंड 16 किलोमीटर रेशो 20 किलोमीटर, वी हैव
वी हैव टू रेशियो, ये प्रोपोर्शन में कम हो गए, या तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है बेटा, या फिर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, मीन्स ये इसका रेशियो जो आएगा वो इसके रेशियो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब जैसे इसका रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले क्या है, तो है सेंटीमीटर रेशियो 15 सेंटीमीटर, वी कैन राइट इट इन फ्रैक्शन, सो 12 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर, वी कैन कैंसिल सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, 3 4 12 3 5 15, सो आवर आंसर इज 4:5। नाउ वी हैव टू फाइंड सेकंड रेशियो, सेकंड रेशियो वैल्यू ऑफ सेकंड रेशियो, सो 16 किलोमीटर रेशियो 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर अपॉन 20 किलोमीटर, क्या होना चाहिए, अब इनका रेशियो भी 4:5 आना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं, दीज क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। सो वी कैन कैंसिल किलोमीटर टू किलोमीटर एंड वी कैन डिवाइड बाय 4 4 4 16 4 5 20, सो आवर आंसर इज 4:5, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो आर इक्वल, सो वी कैन राइट डाउन 12 सेंटीमीटर रेशियो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 किलोमीटर रेशियो 20 किलोमीटर, सो दे आर इन प्रोपोर्शन, ये इसमें है प्रोपोर्शन में है, ठीक है बेटा। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 2 kg एंड 80 kg एंड 25 सेंटीमीटर एंड 625 सेंटीमीटर, 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 सेंटीमीटर रेशियो 625 सेंटीमीटर, नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी 2 kg अपॉन 80 kg, सो वी कैन कैंसिल केजी 2 kg, 2 सेकंड के करेंगे तो 2 4 जाए 0, सो वी हैव 1:40, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, 1:40, नाउ 25 सेंटीमीटर अपॉन 625 सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल, नाउ लुक एट हियर 25 क्या होता है 625, सो वी हैव 1:25, दीज टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो वी कैन राइट हियर, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, सो रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू, जो फिफ्थ पार्ट है बेटा उसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर है, सो जो जब भी हम रेशियो में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी सेम करते हैं, क्योंकि वह किस काइंड की होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए, सो फर्स्ट वी विल सेम क्वांटिटी एज यूनिट, जो उनकी यूनिट है उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे बेटा, तो सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर 2 ग्राम इंटू 20 ग्राम्स, उसको उसका रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, तो दोनों का रेशो अगर इक्वल आता है तो क्या हो जाएंगे हमारे, दे आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे आर इन नॉट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और अगर ये किसमें है, प्रोपोर्शन में है तो, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, एक्स कोमा 4, 6, 8, ठीक है बेटा, ये हमें गिवन है क्वांटिटीज, इसको किस में लिखेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे, एक्स रेशो 4 प्रोपोर्शन टू 6:8, ठीक है बेटा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम अपना सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है बेटा, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले क्या है बेटा, x इंटू ए इक्वल टू किसके होंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, 4 इंटू 6, मीन वाले कौन से हैं, अंदर वाले, ठीक है बेटा, ये क्या है मीन, सो 4 इंटू 6 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल टेक 8 फ्रॉम हियर टू देयर, इट बिकम डिवाइडिंग फॉर्म, सो x इज इक्वल टू 4 6 24 अपॉन 8, ये मल्टीप्लाई में था उधर गया तो इसमें हो गया बेटा डिवाइड में, 8 3 24, सो वैल्यू ऑफ x इज 3, वैल्यू ऑफ x इज 3, वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे बेटा, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इज 4, 10, 42 and x, दे आर इन प्रपोर्शन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो 4:10 प्रपोर्शन टू 42:x, नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है बेटा, सो 4 into x is equal to product of means 10 into 42, we have to find the value of x, so we will take 4 from here to there, x is equal to 10 into 42 upon 4, so we can divide it by 2, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 and the 2, now 2 5 the 10, so value of x is equal to 21, 5 the 105, that is your answer, got it beta? Now next question number 3, find the value of x if the following are in continued proportion, क्या कहता है बेटा, ये जो फॉलोइंग है किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है हमारा, फर्स्ट रेशियो सेकंड इक्वल टू सेकंड रेशियो थर्ड, फर्स्ट रेशियो सेकंड इक्वल टू सेकंड रेशियो थर्ड, ठीक है बेटा, तो हमें उसी को अप्लाई करना है, हमारे पास क्या है 18x and 50, हमारे पास क्या है 18x and 50 है, ये किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो कैसे राइट डाउन करेंगे, ए रेशो बी प्रपोर्शन टू बी रेशो सी, बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू x प्रपोर्शन टू x, बीच वाली टर्म क्या आएगी बेटा, दो बार आएगी, बीच वाली टर्म क्या आएगी, दो बार आएगी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में जो मिडिल वाली टर्म है वो कितने टाइम्स आएगी, 2 times, नाउ रेशो 50, नाउ अगेन वी हैव अप्लाई आवर फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 18 into 50 इज इक्वल टू x into x, ठीक है बेटा, सो x into x means x square, बेस आर सेम, देन पावर शुड बी एड, 1 + 1 = 2, सो 18, अब क्या करना है बेटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्या करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो अब जो इधर जो नंबर है उसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन, या तो मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, या विदाउट मल्टीप्लाई के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 18 को हमें किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से, किससे डिवाइड करना है बेटा, प्राइम नंबर से, सो 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, हमें इसको 9 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है बेटा, सो हमारे पास 18 के फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3, ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, 50 के भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 50 क्या होगा, 2 × 5 × 5,
ठीक है मैम, क्या करना है हमें, सबके प्राइम फैक्टर बनानी है, जो भी जो जो भी नंबर इस साइड है होगा, ठीक है। तो अब एक्स है, स्केयर इधर आए तो किस में चेंज हो जाएगा, स्केयर रूट में, किस में चेंज हो जाएगा, स्केयर रूट में। तो स्केयर रूट टू इंटू टू के साथ हम क्या ले लेंगे, टू ले लेंगे, इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है बेटा। स्केयर, स्केयर में क्या होता है बेटा कि फाइव का स्केयर करते हैं तो कितना आता है, ट्वेंटी फाइव, फाइव का स्केयर करते हैं तो कितना आता है, ट्वेंटी फाइव। फाइव को कैसे लिख सकते हैं, फाइव इंटू फाइव मीन्स दो बार मल्टीप्लाई किया कितना आया, ट्वेंटी फाइव आया। ये किसका था, फाइव का स्केयर था, ठीक है, किसका स्केयर था, फाइव का स्केयर था, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या है, स्केयर रूट है, स्केयर रूट में क्या होगा, उल्टा होगा, मीन्स 25 से किस पे आ जाएंगे, 5 पे आ जाएंगे, 25 से किस पे आ जाएंगे, 5 पे आ जाएंगे। 5 पे कैसे है, मीन्स जो पेयर है उसमें से क्या आएगा, हमारा एक प्राइम नंबर बाहर आ जाएगा, किससे, स्केयर रूट से, स्केयर रूट से पेयर ऑफ प्राइम नंबर में से क्या आएगा, एक प्राइम नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे क्या है, टू का पेयर है, टू के पेयर में से क्या बाहर आएगा, टू बाहर आएगा एक प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। जिसका पेयर होगा वही नंबर एक हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर थ्री का पेयर बनाया हमने, थ्री के पेयर में से क्या बाहर आएगा, थ्री। फिर हमारे पास क्या है, फाइव का पेयर है, फाइव के पेयर में से क्या बाहर आएगा, फाइव इज इक्वल टू एक्स। और पेयर कितने टर्म्स का बनाएंगे बेटा, हमें टू टर्म्स का बनाएंगे, वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसे टू और टू का प्राइम पेयर बना, टू और थ्री का प्राइम पेयर नहीं बनेगा, टू और थ्री का प्राइम पेयर नहीं बनेगा, क्या होना चाहिए बेटा, दोनों दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमारे पास फिर पेयर में से क्या आएगा, हमारे पास एक प्राइम नंबर बाहर आएगा, ठीक है, पेयर में से एक नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया हमारा, टू बार आ गया, यहाँ से क्या आ गया, थ्री बार आ गया, यहाँ से क्या आ गया, फाइव बार आ गया। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जा थर्टी, ठीक है बेटा। सो आवर आंसर इज एक्स इज इक्वल टू थर्टी, एक्स इज इक्वल टू थर्टी, ठीक है बेटा। अभी हमने इतनी प्रोसेस की, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे वो भी इसी प्रोसेस से होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी लाइनें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कैसे, तो करिए क्या कहता है कि एक पार्ट को बना बेटा में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन इन द फॉलोइंग आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। अब मैं करवा रहा हूँ थर्ड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट इज 15 30 एंड एक्स, ठीक है बेटा, 15 30 एंड एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें इसको किसमें लिखना है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में लिखना है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में लिखने के लिए मिडल वाले टर्म को कितने टाइम्स लिखते हैं, टू टाइम्स लिखते हैं, तो 15 रेशो 30, ठीक है बेटा, प्रपोर्शन टू 30 रेशो एक्स, ठीक है बेटा, 30 रेशो एक्स। फिर से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 30। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी विल टेक 15 फ्रॉम हियर टू देयर, इट चेंज इंटू डिवाइडिंग फॉर, सो 30 इंटू 30 अपॉन 15, 15 टू जा 30, 30 टू जा 60, वैल्यू ऑफ एक्स इज 60, वैल्यू ऑफ एक्स इज 60। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द प्रपोर्शन हुज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर 3a 24 रिस्पेक्टिवली। क्या कहता है बेटा कि सेकंड टर्म फाइंड आउट करो अगर पहली तीसरी और चौथी टर्म हमें क्या हो, गिवन हो। तो अब जो भी टर्म हमें नहीं गिवन होगी ना बेटा, हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। सो लेट सेकंड टर्म इज इक्वल टू एक्स, क्या बेटा, लेट सेकंड टर्म इज इक्वल टू एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। हमें क्या गिवन थी, फर्स्ट, फर्स्ट गिवन थी हमें कितनी, थ्री एक्स, सेकंड क्या है, एक्स प्रपोर्शन टू, थर्ड गिवन है हमें कितनी बेटा, एट
रेशो 24। अब फिर से क्या हमें करना, क्या करना है बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स की। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 × 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्स इंटू 8। We have to find the value of x, so we will take 8 from there to here, 3 × 24 upon 8. Here is in multiplication, here change into dividing form. 8 × 3 = 24. So value of x is equal to 3 × 3 = 9. So second term is 9. Now question number 5. Find the mean proportion between 16 and 25. 16 और 25 का क्या फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है किसका बेटा, 16 और 25 का। ठीक है, 16 और 25 का क्या फाइंड आउट करना है हमें, मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ठीक है बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, और स्क्वायर उधर जाके किसमें चेंज हो गया था, स्क्वायर रूट में। अब ये आया कहा, बी बी ए और सी हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट बी इज मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल बी क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है ए की वैल्यू 16। ठीक है बेटा, और जो फर्स्ट वाली ए की वैल्यू होगी और जो सेकंड वाली है वो क्या किसकी वैल्यू होगी, सी की। ठीक है बेटा, सी इज इक्वल टू 25। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 16 × 25। ठीक है बेटा, अब हमें वैसे तो पता है, हम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो क्या आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। ठीक है बेटा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो क्या बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या कैसे कर सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट से फाइंड आउट नहीं करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो कितना आ गया बेटा हमारा आंसर 20 आ गया। अब जो दूसरा मेथड है वो भी देखेंगे, दूसरा मेथड क्या है हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे भी हमें नंबर्स का क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 25। ये है हमारे पास ए और सी की वैल्यू, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 8 × 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, 4 × 5 को एक साथ लेंगे और दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के, ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 4 × 5 = 20। सो बेटा दोनों ही मेथड से हमारा आंसर क्या आया, 20 आया। उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और इसमें हमें क्या करना है, दोनों में स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के बाद हम स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सो आवर आंसर इज 20। ठीक है बेटा, सो टुडे वी विल डू ओनली 5 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।